लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। सहरसा शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा विभाग पटना से जारी की गई रोस्टर में कमियों को लेकर CTET के अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन दिया गया। सभी अभ्यर्थियों के द्वारा सहरसा शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को आवेदन दिया। CTET के अभ्यर्थियों द्वारा कहा गया कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो रोस्टर जारी की गई है उसमें टीचर की बहाली को लेकर साफ तौर से 1 से 5 और 6 से 8 के शिक्षकों के लिए कितनी सीटें खाली हैं यह नहीं दर्शाया गया, जिनको लेकर CTET के अभ्यर्थी तौसीफ मिर्जा, रचना कुमारी और अन्य के द्वारा जिला पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को आवेदन देकर जल्द से जल्द प्राथमिक के सीटों की सही जानकारी के साथ दोबारा रोस्टर जारी करने को लेकर आवेदन दिया। अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया कि शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूलों सहरसा में कितनी सीटें खाली हैं यह साफ तौर पर नहीं दर्शाया गया, उनको लेकर यह आवेदन दिया गया है। सहरसा संवाददाता गौरव कुमार। अभी आप लोग शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला और क्यों आए हुए हैं? 3263 सीट है कुल सहरसा जिला में, उसमें कॉलम बना हुआ है कि 1 to 5, 6 to 8 का कितना सीट है वो स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं किया गया है, वो कॉलम खाली है। और बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है, नीतीश कुमार सरकार की बातों को अफसर नहीं सुनते हैं, बार बार सचिवालय से लेटर जारी किया जाता है कि DO साहब जल्द से जल्द जो है सीटों की रिक्ति जो है सचिवालय को भेजे, लेकिन फिर भी ये लोग सही से नहीं भेज पा रहे हैं, इसीलिए सातवें चरण में लेट हो रहा है। अगर ये लोग सही सही भेज दे तो सातवां चरण का नोटिफिकेशन अपर सचिव कल जारी कर देंगे, लेकिन यहाँ से सही सही पूरा बिहार का बात करते हैं कहीं से क्लियर रूप से नहीं भेजा जाता है। लेटर आज दिया तो भेजेंगे 25 तारीख को, लेटर आज 7वें महीने दिया तो भेजेंगे 9वें महीने। पूरा भ्रष्टाचार है बिहार में, शिक्षा विभाग और कोई भी विभाग सब में भ्रष्टाचार है। और RTE जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि 30 बच्चा पर 1 शिक्षक 1 to 5 में और 6 to 8 में 35 बच्चा पर 1 शिक्षक। उसके बावजूद भी जब हम लोग DO साहब से मिले तो बोला कि जैसे सहरसा में जो यहाँ से 40 एकड़ के भेज दिया, तो बताइए सहरसा जिला के लिए RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट सहरसा जिला के लिए अलग से बना हुआ है जो पूरा देश में एक ही है। क्या नाम हुआ? ऋषु यादव। अभी आप लोग शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी को आवेदन देकर अवगत कराए कुछ सीटों को लेकर के, इसमें क्या कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, अभी हम लोग आवेदन दिए नहीं है, अभी हम लोग जो है मिलेंगे, अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ है नहीं, तो अभी हम लोग उनसे मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि सही सीटों की गणना जो है यहाँ छात्र और शिक्षक अनुपात में वो सही से गणना करके जो है शिक्षा विभाग को भेजा जाए। हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है, ये सारे अभ्यर्थी जो हैं हम लोग सहरसा जिले के, सभी का यही मांग है। और बिहार में जो है ना, क्या नाम हुआ? मेरा नाम तौसीफ मिर्जा हुआ। अभी आप लोग शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों आवेदन दिए? पूरा मामला ये है कि हम लोग DO सर को कहना चाहेंगे कि जो भी ये शेड्यूल तैयार किया गया है सीटों की गणना को लेके, ये पूरा शेड्यूल क्लियर नहीं किया गया है कि कितना सीट है 1 to 5 में और कितना है 6 to 8 में, इनको लेके हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, देखते हैं सर क्या बोलते हैं। तो क्या शिक्षा पदाधिकारी कुछ आश्वासन भी दिए हैं आप लोगों को? अभी फिलहाल कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? रचना कुमार।